जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य के लगभग 75 प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो 75 प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी PDF जो है वो जरूर डाउनलोड करें और अपने साथियों तक जरूर सेंड करें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। और दोस्तों, आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, नंबर दे रखा है नोट्स में। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। निम्न में से सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है साहब? सिद्ध साहित्य आपको पता होगा, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य है ना, ये साहित्य हमने पढ़े हैं आदिकाल में हिंदी साहित्य के। और इनको सर्वप्रथम संग्रहित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हरप्रसाद शास्त्री जी को दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासु की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसकी कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासु की जो इसकी जो ऐतिहासिकता है वो किस प्रकार की है ना, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं या अप्रमाणिक है। पृथ्वीराज रासु का कौन सा भाग या कौन सा पार्ट जो है वो अप्रमाणिक है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। इसकी ऐतिहासिकता जो है वो अप्रमाणिक मानी जाती है। और सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने क्या किया है, इसकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों मच्छंदर नाथ माने जाते हैं और गोरखनाथ भी माने जाते हैं। कभी कभी मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था UP TET में कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, और दोनों विकल्प दिए थे मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है वहां पर मच्छंदर नाथ उत्तर लिया गया था, तो आप देख लें है ना। और जहां पर मच्छंदर नाथ दिया नहीं दिया जाता वहां पर गोरखनाथ टिक करना है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मच्छंदर नाथ ने इसका प्रवर्तन किया था, गोरखनाथ ने इसको आगे बढ़ाया है ना। लेकिन अधिकांश कई विद्वान गोरखनाथ को ही प्रवर्तक मानते हैं, तो इस प्रकार से आप देख लेना। गोरखवाणी नामक संकलन के संपादक हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल साहब की ये रचना है गोरखवाणी, इन्होंने संकलन किया है गोरखवाणी नाम से। नेक्स्ट है, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? तो वो मिलता है राठौरा रिख्यात में मिलता है। जय चंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका है ना, इनकी याद रख लेना, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। निम्न में से असंगत युग में हमें यहाँ पर बताना है कि असंगत युग में कौन सा है? आपको पता होगा चंदन वाला रास आसगु कवि की ये रचना है, स्तुति भद्र रास ये, तो ये कौन सी हो जाएगी, धर्म सूरी की हो जाएगी। स्तुति भद्र रास, रेवंत गिरी रास विजय सेन की, और नेमिनाथ रास जो है ये जो है असंगत है ना। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो स्थूल भद्र की है ना, ये याद रख लेना। भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, शालीभद्र सूरी है वो भरतेश्वर बाहुबली रास, लेकिन स्थूल भद्र रास ये धर्म सूरी की है। नेमिनाथ रास ये सुमति गढ़ी की है और ये यहाँ पर असंगत है, याद रख लेना। निम्न में से सत्य का चयन करना है हमें, बीसल देव रासो आपको पता होगा है ना, बीसल देव रासो नरपति नाल की ये रचना है, बीसल देव रासो ये प्रेम काव्य है, इसको याद रखो। उपदेश रसायन रास ये नीति काव्य है ना, संदेश रासक अब्दुल रहमान की ब्रह काव्य है। और ये जो है हमें सत्य कथन बताना था, तो ये सभी सत्य जो है कथन जो है सही सत्य है, सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट देखें, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो मुंशी देवी प्रसाद जो है विकल्प नंबर डी इसका सही है, मुंशी देवी प्रसाद जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, बाकी विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान है वो कौन है? पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, उसे अपभ्रंश भाषा का मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? तो वो मुनिजन विजय है। कौन है? मुनिजन विजय, विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन एक ना एक बनता ही हर एग्जाम में। रासो साहित्य की उत्पत्ति को मानने वाले का संगत युग में है, तो हरिप्रसाद शास्त्री रहस्य रासो साहित्य की जो उत्पत्ति मानते हैं रहस्य से माना, ये हरिप्रसाद शास्त्री का जो विकल्प दिया है यह असंगत है। बाकी नरोत्तम स्वामी ने रसिक से माना है,
गारसादा तासी ने राजसुई से माना है, राजसु से माना, हरि प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है और रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है, रसायन से माना है। याद रख लेना, किस विद्वान ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है, किसके अनुसार? राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के कवि प्रथम कवि है स्वयंभू। याद रख लेना, राम कुमार वर्मा साहब ने हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। पयंचरू का वर्ण विषय क्या है? तो आपको बताना है पयंचरू राम कथा पर आधारित ये रचना है, स्वयंभू की पयंचरू है और ये राम कथा पर आधारित है। याद रख लेना इसको, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, जीव दया रास चंदन वाला रास की रचयिता कवि आसगू निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, हमें इसका उत्तर बताना है कि जो चंदन वाला रास है उसके जो रचयिता कवि आसगू हैं किस स्थान से संबंध रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जालौर से रखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो याद रखो इसको, बी नंबर सही हो जाएगा। श्रृंखला की कड़ियां निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियां इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और आपको पता होगा कि महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद से संबंध रखती हैं। छायावाद के चार आधार स्तंभ अपने नाम सुने होंगे, उसमें महादेवी वर्मा का नाम भी लिया जाता है। तो श्रृंखला की कड़ियां ये निबंध महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा, इसको याद रखना। निहार नीरजा रश्मि दीपशिका ये रचनाएं कौन की है? तो ये भी दोस्तों महादेवी वर्मा जी की है। निहार रश्मि नीरजा दीपशिका है ना, ये रचना इनकी है और एक और यामा करके इनकी रचना है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको पता होगा 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए, और एक किसी रचना के लिए अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये भी याद रखना है। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा का जन्म बताना है तो आपको पता होगा कि महादेवी का जन्म कब होगा? साथ में होगा, क्योंकि महादेवी क्या है, हमारे साथ रहती है हमेशा। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में है ना, साथ रखना है महादेवी जी को, ठीक है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीख, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कविता किसकी है? आपको पता होगा बहुत सारी पंक्तियां नेट एग्जाम का अगर दे रहे हैं, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें पंक्तियां जरूर पूछी जाती है। ये जो पंक्तियां है, जो कविता है, हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन साहब की इन्होंने एक आत्मकथा लिखी और बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा थी इनकी, और हर एग्जाम में वो पूछी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण भी इन्हीं की रचना है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार कब से कब सम्मानित किया गया था? तो 1966 में सम्मानित किया गया था इन्हें, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, बच्चन साहब को, याद रखो है ना। मेरे स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। इस पद में स्नेह सुरा का क्या अर्थ है? स्नेह और सुरा का हमें बताना है तो प्रेम रूपी शराब से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है, उत्तर हो जाएगा प्रेम रूपी शराब। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी साहित्य में किसके प्रवर्तक थे? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य हमें बताना है तो हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब, हालाबाद के प्रवर्तक। और आपको पता होगा कि एक मासलवाद भी पूछा जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल उसके प्रवर्तक है मासलवाद के, और हालाबाद के जो प्रवर्तक है वो हरिवंश राय बच्चन साहब है, तो इनको याद रख लेना है। मगर मधुशाला इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, मधुशाला। आकुल अंतर एकांत संगीत मिलने आमनी और सत रंगनी प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो ये जो रचना है दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन की भी है, आकुल अंतर एकांत संगीत मिलने आमनी और संत रंगनी, ये रचनाएं इन्हीं की है, हरिवंश राय बच्चन साहब की। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की कविताओं में किसकी मार में कवि व्यक्ति हुई है? तो महादेवी वर्मा, मैंने कई बार बताया कि महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध रचना यामा, और इनका संबंध कहां से है? छायावास से। इनका जन्म हुआ 1907 में और इनकी जो मार्मिक अभिव्यक्ति है वो आंतरिक वेदना और पीड़ा से संबंधित अभिव्यक्ति हुई है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की कविता कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, ऊपर लिखित वाक्य में दो तार से क्या अभिप्राय है? तो हृदय रूपी वीणा के तारों से यहाँ पर दो तार का शब्द लिया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कवि नागार्जुन की, दोस्तों आपको पता होगा कि नागार्जुन की एक ना एक रचना हिंदी साहित्य का जो भी एग्जाम होता है उनमें पूछी ही जाती है। तो कवि नागार्जुन का जो मूल नाम था वो क्या था? तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र,
है ना, नागार्जुन साहब का है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कभी नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, देखो इनका मूल नाम हमने पढ़ा बैद्यनाथ मिश्र, लेकिन इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आधुनिक भारत का कबीर। नागार्जुन को कहा जाता है आधुनिक भारत का कबीर, इनको याद रखो। कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मैथिली भाषा में भी रचना की, तो इनका एक पत्रहीन नग्न गाछ जो रचना है मैथिली भाषा में इनकी रचित रचना है, पूछा गया ये क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन की कविताओं का सही क्रम निर्धारित करें, क्रम बताना है आपको, पता होगा नेट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्रम, है ना, रचनाओं का। तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथरा याके और तालाब की मछलियां, ये जो रचनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी तालाब की मछलियां, मतलब ये दा नंबर जो विकल्प दा है ये सही हो जाएगा। युगधारा भी इनकी रचना है, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथरा याके, तालाब की मछलियां, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। नई पौध इनकी रचना है, है ना, रतिनाथ की चाची, बटूसर नाथ, इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखें, अम्ल धवल गिरी के शिखरों पर कविता के रचनाकार हैं, तो इस कविता के रचनाकार भी नागार्जुन ही है, तो इसको याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, पंक्तियों में निहित अलंकार हमें बताना है, तो यहां पर जो है मानवीकरण अलंकार है, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, तो इसको देख लें आप। कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य में किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होगा कई एग्जाम में पूछा जाता है ये कवि किस युग का है, वो कवि किस युग का, इस प्रकार से। तो जो नागार्जुन साहब है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद से संबंधित है नागार्जुन, है ना, तो याद रखें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, ये सभी प्रगतिवाद के हैं। शिवमंगल शिवसेन सेंगर के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? शिवसेन सेंगर, है ना, शिवसेन सेंगर, तुलसीदास की जो रचित ग्रंथ है शिवसेन सेंगर के अनुसार वो 18 बताए गए हैं शिवसेन सेंगर ने, है ना, ये याद रखें। शिवसेन सरोज इनकी कृति है, शिवसेन सेंगर साहब की। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो बेसेंट स्मिथ ने कहा है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है, तो याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तुलसीदास को कहा है, है ना। नेक्स्ट है, तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है? तो वो हुआ है कृष्ण गीतावली में, ठीक है, कृष्ण गीतावली में हुआ है सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का, कृष्ण गीतावली जो इनकी रचना है ब्रज भाषा में रचित है। भरवे रामायण में कितने छंद हैं? छंद बताना है, तो 69 छंद है दोस्तों, भरवे रामायण, भरवे रामायण में 69 छंद है, और भरवे रामायण जो कृति है वो किसकी है? तुलसीदास जी की है। तुलसीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम जोतसी के आग्रह पर रचित की गई? जोतसी की बात आ रही यहां पर, जोतसी इनकी जो रामज्ञा प्रश्नावली है ज्योतिष पर आधारित है, और गंगाराम जोतसी के इसके आग्रह पर ये लिखी गई है रामज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की भक्ति पद्धति है दोस्तों, तो भक्ति पद्धति तो दास भाव की है, आपको पता ही होगा तुलसीदास की जो पद्धति वो दास भाव की है। बैनी माधव दास के अनुसार तुलसी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो इनके अनुसार जो रचना है बैनी माधव दास के अनुसार, तो वो गीतावली है इनकी, तुलसीदास जी की, बैनी माधव दास के अनुसार। 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया? तो तुलसी ग्रंथावली का किया गया नागरी प्रचारी सभा द्वारा 1923 में 2 खंडों में किया गया, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना है, याद रख लेना, तुलसीदास जी का जन्म स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर माना है, याद रखो इसको। रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, अब 7 कांड इनको क्रम से बताना है, क्रम से भी पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है कौन सा? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, है ना। सबसे पहले बालक रहे, फिर अयोध्या में, है ना, फिर अरण्य मतलब बन गए, और किष्किंधा कांड, वहां पर किष्किंधा कांड, ये देख लेना। दोहावली, रामलला नेहचू, रामज्ञा प्रश्नावली, रामज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, ये सारे की सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं, याद रखो इनको, रामज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, है ना, तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तो वो हुआ है सवैया और कवित्त, ये छंदों का प्रयोग हुआ है कौन सी? कवितावली में, तो इनको याद रख लेना कवितावली में। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास,
ये जो रचना है किसकी है, आप देखो बिलास 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 आ रहा है, तो देव कवि की है, किसकी है, देव कवि, रीति काल के ये कवि है, प्रमुख कवि है देव कवि, तो बिलास बिलास आ रहा मतलब देव, देव को किसका प्रमुख कवि माना जाता है, तो देव को माना जाता है श्रृंगार और प्रकृति का, क्योंकि श्रृंगारिकता रीतिकाल की विशेषता है, तो याद रख लेना इसको। कवि देव ने किस शब्द शक्ति को श्रेष्ठ माना है, जी हाँ दोस्तों, तो अमिता जो शब्द शक्ति है देव ने अमिता को माना है, उत्तर जो सही हो जाएगा उसका सात नंबर का अमिता हो जाएगा। देव हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति काल में तीन काव्यधाराएं प्रवाहित हुई, आपको पता होगी रीतिबद्ध, रीति से दो, रीति मुक्त, ये जो देव कवि थे ये रीतिबद्ध काव्यधारा के थे, है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। केस की चिंता देव मतिराम, इस प्रकार से कुछ कोड है मैंने बनाया था, तो मतिराम देव केशवदास ये सभी रीतिबद्ध के हैं। कवि देव ने किस नवीन संचारी भाव की, इन्होंने आपने 33 संचारी भाव पढ़े होंगे, है ना, लेकिन जो देव कवि हैं इन्होंने 34वां जो संचारी भाव माना है वो किसे माना है, वो माना है छल को, तो याद रख लेना छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है, देव कवि ने माना है। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो आपको पता होगा अज्ञेय जी माने जाते हैं, अज्ञेय, है ना, कितनी नाम है कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, याद रखो लेखक को कितनी नाम है कितनी बार के लिए 1978 में इन्हें पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसको भी याद रखो, है ना। लेखक अज्ञेय की पहली कहानी सेवा पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी, तो सेवा पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुई थी अज्ञेय जी की, है ना, याद रखो इनको। नेक्स्ट है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास दो खंडों में कब सृजित किया गया, शेखर एक जीवनी पूछी जाती है रचना, शेखर एक जीवनी उपन्यास है दो खंडों में कब सृजित किया गया, ये चीज हमें बतानी है। सबसे पहली बात तो ये दो खंडों में सृजित किया गया, और ये सृजित कब किया गया, खंड प्रथम खंड 1941, दूसरा खंड 1944 में सृजित किया गया, तो याद रख लेना। अज्ञेय ने गोल्डन ब्रेथ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त किया, तो गोल्डन ब्रेथ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था 1983 में अज्ञेय जी ने, इन्हें 78 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 83 में गोल्डन ब्रेथ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानियों का क्रमबद्ध निर्धारित करें, इनकी कहानियां जो है उनको क्रमबद्ध बताना है हमें, तो वो कौन कौन सी है, विपत्का, जयदोल, कोठरी की बात और शरणार्थी, इनका एक क्रम है और ये पूरी रचना आप देख लेना, विपत्का, जयदोल, कोठरी की बात और शरणार्थी पूछी जाती है हमेशा, ये अज्ञेय जी की ही रचना है, है ना, इनको बहुत अच्छे से हमें याद रख लेना है। अज्ञेय का आत्मनिपद क्या है, आत्मनिपद भी पूछा जाता है, आत्मनिपद किसकी रचना है, तो ये निबंध साहित्य है इनका, आत्मनिपद किसका, अज्ञेय जी का। नेक्स्ट है अज्ञेय ने अपने लेखन के पीछे किसे प्रेरणा माना, तो अज्ञेय ने अपने लेखन के पीछे दोस्तों आंतरिक व्यवस्था को इन्होंने प्रेरणा माना, तो आंतरिक व्यवस्था अज्ञेय जी ने। हिरोशिमा कविता लेखक अज्ञेय के किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है, तो हिरोशिमा जो कविता है अज्ञेय के किससे है, अरि ओ करुणा प्रभामय से ये उद्धृत है हिरोशिमा कविता। नेक्स्ट देखें मैं क्यों लिखता हूं, लेखक अज्ञेय का किस प्रकार का निबंध है, तो मैं क्यों लिखता हूं आलोच्य निबंध माना जाता है, कौन सा निबंध, आलोच्य निबंध माना जाता है। मैं क्यों लिखता हूं, लेखक अज्ञेय का निबंध मैं क्यों लिखता हूं के अनुसार किस नदी में उन्होंने बम फेंक कर हजारों मछलियां मारते हुए देखा, तो ब्रह्मपुत्र नदी में इन्होंने बम फेंक हजारों मछलियों को मरते हुए देखा, ब्रह्मपुत्र नदी में देखा। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था, पूछा जाता है दोस्तों मूल नाम, उपनाम किस नाम से लिखते थे, सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो वासुदेव का जो है मूल नाम था, त्रिलोचन का जो मूल नाम था वो वासुदेव था, इनको याद रख लेना है उपनाम जितने भी हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा उपनाम का, आप याद रख लेना। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर कविताएं किसकी हैं, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल, है ना, केदारनाथ में आपको पता सुंदर वादियां हैं, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं यहाँ के, यहाँ नींद के बादल रहते हैं, बादलों को भी नींद आ जाती है केदारनाथ आदि में उत्तराखंड में, है ना। युग की गंगा है ना, गंगा भी वहीं से निकलती है उत्तराखंड से, ये सारी है समय समय पर और आग का आईना, ये रचना कौन की है, केदारनाथ अग्रवाल साहब की है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना के संबंध में निम्न में से असत्य है, तो वो हास्य व व्यंग मनोभाव की अभिव्यक्ति, ये असत्य है छाया मत छूना, इनको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखें चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के लेखक है, तो कौन है, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। टार्च बेचने वाले
व्यंगात्मक निबंध रचना किस प्रकार की है, टार्च बेचने वाले, ये व्यंगात्मक रचना है और ये किस प्रकार की रचना है, ये प्रतीकात्मक रचना मानी जाती है, टार्च बेचने वाले, इनको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण नाटक कोणार्क, कोणार्क आपको पता होगा, कई बार पूछा गया कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीया, पहला राजा, है ना, तो ये किसके नाटक है, नाटक बताने, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक है, कोणार्क याद रख लेना और शारदीया भी याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं हमेशा, पहला राजा और दशरथ नंदन, इनको भी नहीं भूलना है। तो ये सभी के सभी जो नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर जी के हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी, संग्रह किसके द्वारा उद्धत है, तो भोर का तारा ये भी जगदीश चंद्र और ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी संग्रह है, इनको भी याद रख लेना, भोर का तारा पूछा जाता है हमेशा जगदीश चंद्र माथुर का, है ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रमुख केंद्रीय पात्र कौन से हैं, तो केंद्रीय जो पात्र है रीढ़ की हड्डी की वो उमा है, विकल्प नंबर सात इसका सही हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी की। कभी कभी पात्र भी पूछे जाते हैं दोस्तों। कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा है, जिसका अभिप्राय है तो साधु संगति में विकसित भाषा, है ना, पंचमेल खिचड़ी साधुकड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो बीजक में संग्रहित है। साफी शब्द रमेनी आपको तो पता ही होगा, कबीरदास के ग्रंथों की सबसे पहली खोज कब किसने की थी, तो 1903 में श्री एच विल्सन साहब ने इनके जो है पहली इनके ग्रंथों की खोज की थी, सबसे पहली, है ना, विल्सन साहब ने। कबीरदास की साखियां किस शैली में रचित हैं, तो प्रतीकात्मक शैली में रचित हैं, प्रतीक बनाया है इन्होंने, प्रतीकों के माध्यम से समाज में जो व्याप्त अंधकार और रूढ़ियों को इन्होंने फटकार लगाई है कबीरदास जी ने, तो प्रतीकात्मक शैली में इन्होंने रचनाएं की। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी संग्रह का क्रमबद्ध है, तो सबसे पहले आकाशदीप, आंधी, छाया और प्रतिध्वनि, इनके जो है क्रमबद्ध कहानी संग्रह है, है ना। इंद्रजाल भी है इनकी एक, तो याद रख लेना इनको। और जयशंकर प्रसाद के बारे में तो आप जानते होंगे, इनका कामायनी महाकाव्य बहुत ही फेमस है, हमेशा पूछा जाता है, 15 सर्ग उसमें हैं, और इसके कभी कभी सर्ग भी पूछा जाता है कि पहला सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, तो पहला चिंता है और अंतिम आनंद है, तो याद रख लेना। आह वेदना मिली विदाई कविता में कौन सा भाव है, तो वेदना का भाव है, आह वेदना मिली विदाई, ये वेदना का भाव है। निम्नलिखित में से किस कवि का मूल नाम आनंदीमल था, यहाँ दोस्तों आनंदीमल था, तो जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार का जो मूल नाम था वो क्या था, आनंदीमल था, इनको याद रख लेना। निम्नलिखित कहानी साहित्य का कालक्रम निर्धारित करें, तो साहित्य का जो ये कहानियां हैं, एक रात दो चिड़िया, पाजेब और जलसंधि, जयसंधि, ये जैनेन्द्र कुमार साहब की हैं, एक रात दो चिड़िया, पाजेब और जयसंधि, ये हो जाएंगी, मतलब ये जो विकल्प नंबर सा है ये सही हो जाएगा क्रम में। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो किस कोटि के साहित्यकार थे जैनेन्द्र कुमार जी, तो जैनेन्द्र कुमार जी दोस्तों मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार थे, इलाचंद्र जोशी, है ना, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय, ये तीन हैं जो मनोविश्लेषणवादी कहलाते। क्वेश्चन हमेशा बनता है निम्न में से बताइए कौन सा कवि मनोविश्लेषणवादी नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको बताना होता है, आपको ये तीन तो याद रखने ही है। प्रेम निजी धारणा है और विवाह सामाजिक संप्रत्यय है, यह कथन किसका है, तो यह भी जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार के बारे में आपको इनके उपन्यास, इनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से याद कर लेना है। इनकी जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास त्यागपत्र ने इन्हें किस रूप में ख्याति दिलवाई, तो त्यागपत्र जो इनका उपन्यास था इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के रूप में इन्हें ख्याति दिलवाई, अगर इनके उपन्यास कोई है तो वो है त्यागपत्र, इसको याद रख लेना है। त्यागपत्र बहुत ही इनका फेमस उपन्यास माना जाता है। कवि जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन किन मूल तत्वों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, तो इनका जो बाजार दर्शन है ये लिखा है बाजारवाद का बढ़ता स्वरूप और उपभोक्ता की आवश्यकता, इस इन बातों को केंद्र में रखकर इन्होंने बाजार दर्शन जो है लिखा। नेक्स्ट है बाजार दर्शन क्या है, तो बाजार दर्शन का निबंध है दोस्तों, याद रख लेना, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध है, तो उसको याद रखें। निम्नलिखित में से उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं, तो प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन नीलम देश की राजकन्या, है ना, ये कहानी है, याद रखो इसको, नीलम देश की राजकन्या एक कहानी है और प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं इसमें। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज का प्रकाशित हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 1917 में, सप्त सरोज इनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है और इसका जो प्रकाशन हुआ 1917 में हुआ, इसको याद रख लेना। प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह है पर आधारित हिंदी उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1907 में हुआ था इनका प्रेमा, है ना, तो याद रख लेना, उर्दू भाषा में हुआ था और बाद में इसका
क्या कर दिया गया, हिंदी में अनुवाद भी हुआ था। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास मान जाता है? तो ये सेवा सदन माना जाता है दोस्तों, और इनका प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास भी यही माना जाता है, प्रेमचंद जी का सेवा सदन। इसको आपको याद रख लेना। प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी जो 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई, किस नाम से? संसार का अनमोल रतन। तो इसको याद रख लेना, इनकी मौलिक कहानी थी, मौलिक है ना, मौलिक कहानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमचंद की ग्राम नहीं है, परीक्षा, सुजान, भगत, कजाकी, ये इनकी है, लेकिन ग्राम इनकी नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर कितने खंड में है? जी हाँ दोस्तों, इनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर 8 खंडों में है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रख लेना है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास और कहानी को अंतिम माना जाता है? तो इनके गोदान, इनका उपन्यास अंतिम उपन्यास, और कफन कहानी इनकी अंतिम मानी जाती है। और गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा, निम्न में से कौन से उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य माना जाता है? तो गोदान को माना जाता है दोस्तों, बहुत ही फेमस ये उपन्यास है ना, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, गोदान, इनके उपन्यास माने जाते हैं। प्रेमचंद की जीवन की अंतिम समय की कहानियों का स्वर था तो आदर्शवादी था, इनकी कहानियों का अंतिम है ना। और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास कई बार पूछा गया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ जाने के कारण प्रेमचंद जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। दोस्तों सोचो, देश सेवा के लिए इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी, और जबकि आपको पता था कि प्रेमचंद गरीब वर्ग से, मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे, और कई जगह इन्होंने नौकरी छोड़ी, कई जगह ज्वाइन किया। उनकी पत्नी, जो प्रथम पत्नी से इनका विवाह हुआ था, वह कुरूप थी। फिर इन्होंने द्वितीय विवाह किया था, और इनकी जो है पिताजी का देहांत हो जाने के कारण सारा जो बोझ है इनके कंधों पर आ गया। उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सेवरानी, है ना, याद रख लेना। और सेवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी, सेवरानी प्रेमचंद घर में करके सेवरानी देवी ने लिखी थी। ये पूछा जाता है हमेशा, प्रेमचंद घर में किसके द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है? तो सेवरानी देवी द्वारा रचित है, तो इसको याद रखे। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, नवाब राय से नाम से भी लिखते थे, और दया नारायण निगम ने, जब इनका सोजे वतन जब्त हो गया तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। दया नारायण निगम साहब ने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया था, तो इसको याद रख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में किया गया दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और कहीं भी अगर आपको संशय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लें, वो हम जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, तो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अन्य लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।